Welcome students, today we will start next chapter, chapter number 4, MS Excel. Excel is about spreadsheet software. इसमें हम sheets बनाते हैं. For example, हमने किसी भी चीज़ का record रखना हो. The best example is students का data. आपका name, roll number, marks, किस year में आप school में आए थे. And वो सारी जो details होती है ना, वो हम एक sheet में, एक Excel sheet में बनाते हैं. तो उसको बनाते कैसे हैं, ये भी हम सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने पेज नंबर 67 से लेकर पेज नंबर 75 तक रीडिंग कर लेनी है अच्छी तरह, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी हो. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कीवर्ड्स. ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपने, इनको अपनी नीट कॉपीज़ पर भी लिखना है. हमेशा से मैंने आपको कहा है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. अच्छा, अब स्प्रेडशीट है क्या? एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज़ यू टू अरेंज द मैनिपुलेटेड न्यूमेरिकल डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करके लिखते हैं. अब सबसे पहले आपने इसको ओपन कैसे करना है, उसका तरीका बताया हुआ है. एक्सेल होता क्या है? अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट सेट्स ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट. ये रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है डाटा को. अब स्टार्ट कैसे करते हैं, ये स्टेप्स हैं. इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल बताए हुए हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. कंपोनेंट्स मींस के उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं. मेन्यू बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार होता है, रिबन होता है. रिबन में मज़ीद और ज़्यादा टैग्स होते हैं उसको. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है. इस तरह से नज़र आती है आपकी कोई शीट. ये नंबर्स दिए हुए होते हैं, सीरियल नंबर्स, और ये आपका डाटा. फॉर एग्ज़ाम्पल ए में हमने नेम लिखा, बी में हमने आपकी अटेंडेंस लिखी, सी में आपके सी डी और ई जी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज लिख दिए, और यहाँ पर हमने आपके मार्क्स लिख दिए. इस तरह से होती है कोई शीट. तो वर्कशीट क्या होती है? वर्कबुक, रो, कॉलम, सेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं. आपने जस्ट इनकी रीडिंग कर लेनी है. अगेन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों ने इसको कभी भी स्किप नहीं करना. ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब के आपने शॉर्ट आंसर्स बना लेने हैं, लाइक डिफाइन शीट टैब, व्हाट इज़ फार्मूला बार, डिस्क्राइब सेल पॉइंटर, इस तरह से. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने इन सब चीज़ों के क्वेश्चन बना लेने हैं. पेज नंबर 75 तक आपने रीडिंग कम्प्लीट करके क्वेश्चन आंसर्स बना कर मुझे इनबॉक्स कर देने हैं. फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.